एक ऐसे शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ, यकीनन यहाँ से मुशायरे की नई कामयाबियों की बुलंदियों को का सफ़र करेगा। हमारी फहरिस्त में कैसा नौजवान शायर जो कटिहार से तशरीफ़ लाए और इस वक्त हिंदुस्तान के मुशायरों की ज़रूरत और बेहतरीन लबो लहजे के शायर जनाब शम्स तबरेज़ को इन अशआर के साथ मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि फसादियों का अलम कू बकू निकलता है, फसादियों का अलम कू बकू निकलता है, धुआं घरों से यहाँ चार सू निकलता है, इस नए दौर में रंगीन शायरी कैसी, गजल कहो तो कलम से लहू निकलता है। तालियों के दरमियान इस्तकबाल करें जनाब शम्स तबरेज़ साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अंदाज में निजामत कर रहे हैं जनाब मन्नान फराज साहब। और सदारत फरमा रहे हैं सुल्तान शमसी साहब जो उस्ताद शायर हैं, और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनकी सदारत में मुशायरा पढ़ रहा हूँ। बेशक हम सबके खुश हैं। और हमारे बीच बहुत सारे शायर हैं, सबको सुनना है। मैं मुख्तसर पढ़ूंगा और मैं हमेशा मुख्तसर पढ़ता हूँ, और मैं आपको दादो तहसीम के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। शायरी सुन करके यकीनन आप ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं मतलब पेश करता हूँ। मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे। दूसरे मिसरे पर आप सबकी मुझे दाद चाहिए। मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे। आज के दौर में दोस्ती क्या करे, आज के दौर में दोस्ती क्या करे, आज के दौर में दोस्ती क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे। और ये भी शेर पेश करता हूँ। उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, जब मुकद्दर में ना हो खुशी क्या करे, जब मुकद्दर में ना हो खुशी क्या करे, जब मुकद्दर में ना हो खुशी क्या करे। हमारे बीच अनवर कमाल साहब तशरीफ रखते हैं और इस वक्त जो है मधुबनी की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। आप उनको सुनेंगे तो यकीनन दंग रह जाएंगे, इसलिए मैं तमाम जितने भी सामयिन यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आदमी शाकरी साहब तशरीफ रखते हैं, अनवर कमाल साहब बड़े बड़े शायर तशरीफ रखते हैं, और सबको सुन करके आपको जाना है। ये भी शेर पेश करता हूँ। जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, नाम उसके भला जिंदगी क्या करे, नाम उसके भला जिंदगी क्या करे, नाम उसके भला जिंदगी क्या करे। और ये शेर में गुले सभा की नजर करना चाहता हूँ, पेश करता हूँ। जो हिफाजत कभी दिल की ना कर सका, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया,
आपने रुख से पर्दा हटा तो दिया, अब चरागों से हम रोशनी क्या करें, अब चरागों से हम रोशनी क्या करें, अब चरागों से हम रोशनी क्या करें। और मक्ता पेश करता हूँ, सारी दुनिया तेरे दम से रोशन हुई, 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 शम्स शोहरत तेरे नाम की क्या करे, शम्स शोहरत तेरे नाम की क्या करे। और एक शेर पेश करूंगा और मैं अपनी जगह लूंगा, पेश करता हूं, सुने। या खुदा उम्र भर ये हिमाकत न हो, या खुदा उम्र भर ये हिमाकत न हो, पेश करता हूं। या खुदा उम्र भर ये हिमाकत न हो, या खुदा उम्र भर ये हिमाकत न हो, बेवफाओं से हम को मुहाबत न हो, बेवफाओं से हम को मुहाबत न हो। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत से दलों के लोग बैठे हुए हैं, दिलों को जोड़कर एक साथ बैठे हुए हैं। हमारा एक लीडर है, उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो नेताजी गांव में गए प्रचार करने के लिए, जैसे गांव में गए प्रचार करने के लिए तो वहां के लोग उनसे उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो उन लोगों ने लोगों से जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि बताइए आपके गांव की क्या समस्या है। नेताजी ने कहा, तो वहां के लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ पर पानी की समस्या है। तो नेताजी ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। फिर दूसरे गांव में गए नेताजी, उन्होंने कहा यहाँ पर क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि नेताजी यहाँ पर स्कूल नहीं है, स्कूल बनवा दीजिए। नेताजी ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तीसरे गांव में गए, वहां पर बहुत सारे नौजवान बैठे हुए थे जैसे पीछे बैठे हुए हैं। तो नेताजी ने कहा कि भाई आपकी समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि नेताजी मैं 40 साल का हूँ, 20 साल मेरी शादी को हो गई है, अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। नेताजी ने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए, मुशायरा को थोड़ा सा मुशायरा बनाइए, तभी आप अच्छा सुन पाएंगे। चलिए मैं एक आध शेर पेश करता हूँ, उसके बाद फिर अपनी जगह लूंगा। आज के जमाने में प्यार व्यार मत करना, 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 दोस्तों हसीनों पे ऐतबार मत करना, दोस्तों हसीनों पे ऐतबार मत करना। और ये भी शेर, तेरी याद का नंबर कर दिया डिलीट मैंने, 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 फोन का तू अब मेरे इंतजार मत करना, फोन का तू अब मेरे इंतजार मत करना। और ये भी शेर पेश करता हूँ, है तो बख्शने वाला हर खता खुदा लेकिन, बेशक है तो बख्शने वाला हर खता खुदा लेकिन, है तो बख्शने वाला हर खता खुदा लेकिन, है तो बख्शने वाला हर खता खुदा लेकिन, जो खता हुई है वो बार बार मत करना,